हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सभी विद्यार्थी? श्रीराम टेक्निकल क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। और मैं विनोद निमरौट आप लोगों के सामने लेकर आया हूं यूनिट एंड मेजरमेंट से रिलेटेड थर्ड क्लास। दो क्लासेज मैंने आप लोगों को पहले बता दी, जहाँ पर राशियाँ क्या होती है, भौतिक अवस्थाएँ क्या होती हैं और राशियों को किस प्रकार से डिवाइड किया गया है, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ सकते। मैंने आपको बताया था कि राशियाँ मुख्यतः देखी जाए तो हमारी सुविधा के अनुसार हमने प्रारंभ में तीन भागों में डिवाइड कर दी थी, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि। मूल राशियां मैंने सात प्रकार की आपको बताई थी, जिसमें तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, द्रव्यमान, पदार्थ का परिमाण और लंबाई और समय, ये सात मूल राशियां बताई थी मैंने आपको। इन्हीं मूल राशियों से मिलकर अन्य सभी राशियों का निर्माण होता है दोस्तों, और इन्हीं राशियों से संबंधित या इन्हीं राशियों से मिलकर अन्य राशियां जो बनती हैं उन सभी राशियों को कहा जाता है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि कौन सी होती है? ऐसी राशियां जिन्हें मूल राशियों से मिलाकर बना सकते हैं या जिन्हें मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सकता है या दर्शाया जा सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि, या मूल राशियों के रूप में जिन्हें व्यक्त कर सकते हैं या मूल राशियों के पदों में जिन्हें दर्शा सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? व्युत्पन्न राशि। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आज इसके बाद हम लोगों ने जो बात की वो थी पूरक राशियाँ। पूरक राशियाँ क्या होती हैं? ऐसी राशियाँ जिन्हें मूल राशियों में व्यक्त नहीं किया जा सका, जैसे कि रेडियन और स्टेरेडियन, घन कोण और प्लेन एंगल, ये दो राशियाँ ऐसी थी जिन्हें पूरक राशियों के अंतर्गत रखा गया है दोस्तों। अब उसके बाद हम लोगों ने इन राशियों को दिशा और परिमाण के आधार पर डिवाइड कर दिया गया था। परिमाण और दिशा, परिमाण, परिमाण का मतलब होता है उसका वैल्यूएशन, उसका मान। परिमाण क्या होता है? परिमाण तो सब राशियों का होता है दोस्तों। परिमाण होता है उसकी उपस्थिति, इस नेचर के अंदर जो राशि एडजस्ट कर रही है, जो यहाँ पर है वो राशि की कितनी वैल्यूएशन है, ये उसका परिमाण कहलाता है। लेकिन दिशा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उसकी कोई दिशा होगी, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि उसकी कोई डायरेक्शन होगी। अगर दिशा है तो वो सदिश राशि कहलाएगी, अगर वो दिशा नहीं है तो वो कहलाएगी अदिश राशि दोस्तों। क्या कहलाएगी? वो अदिश राशि कहलाएगी दोस्तों। तो कल हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो देखा था वो ये देखा था, सदिश क्या होती है, अदिश क्या होती है, इनके बारे में प्रॉपर पढ़ा था दोस्तों। जैसा कि आप लोग देखते हैं भौतिक राशियां और विमाएं टॉपिक का नाम है, तो डायमेंशन हम लोग यानी विमाएं आप पढ़ेंगे, क्योंकि राशियों के बारे में हम लोगों ने डिवाइडेशन देखा। अब हम लोग देखेंगे इनकी विमाएं किस प्रकार से बनाई जाती हैं, इनकी विमाएं किस प्रकार से बनाई जाती हैं, ये हम लोग देखेंगे। किसके अंतर्गत हम ये देखेंगे? इन भौतिक राशियों के या इन मूल राशियों के या इन राशियों के अंतर्गत जितनी भी राशियां आती हैं उन राशियों की विमाएं किस प्रकार से बनाई जाती हैं, विमा बनाने, विमा होती क्या है, कैसे बनाते हैं, क्या विमा होती है, किस किस राशि की कैसे बनाई जाती है, वो सब हम लोग देखेंगे यहाँ पर दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज डायमेंशन यानी विमाएं। क्या दोस्तों? विमाएं। हाँ जी, सबसे पहले विमा क्या होती है ये चीज अपन समझेंगे। विमा क्या होती है दोस्तों? विमा होती है किसी भी राशि के बारे में ये जानना कि वो राशि कौन कौन सी मूल राशियों से मिलकर बनी है, और जिस भी मूल राशि का उसमें प्रयोग किया गया बनाने के लिए वो मूल राशि उसमें कितनी बार यूज आई है, यही विमा के अंदर देखा जाता है। तो किसी भी राशि की विमा राशि की बीमा यह है दर्शाती है कि ही
है। कौन कौन सी ग्रह मूल राशियों से मिलकर बनी है? से मिलकर बनी है और जिन भी मूल राशियों से मिलकर बनी है से बनी है वह मूल राशि कितनी बार प्रयोग में ली गई है? उपयोग में ली गई जिस भी मूल राशि से मिलकर बनी है वह कितनी बार उपयोग में ली गई है, ये हम लोग किसके अंदर देखते हैं दोस्तों? बीमा के अंतर्गत देखते हैं। ये बीमा के अंतर्गत देखा जाता है कि जिस भी मूल राशि को हम बना रहे हैं वो मूल राशि कितनी बार, जिस भी राशि को हम बना रहे हैं उसमें कौन कौन सी मूल राशि कितनी बार यूज में ली गई है। एग्जाम्पल देंगे तभी समझ पाओगे। तो हम लोग एक एक मूल राशि की बीमा बनाना प्रारंभ करते थे। कैसे बीमाएं बनाई जाती हैं देखिए बेटा, छोटी राशि से लेके चलेंगे दोस्तों। छोटी राशि से लेके ही हम लोग चलते हैं। पहले हम लोगों ने सबसे पहले एक छोटी राशि ली मैंने, जैसे कि सबसे पहले मैंने आपके सामने ले ली द्रव्यमान। क्या आप बोलोगे सर द्रव्यमान तो खुद ही मूल राशि है? बिल्कुल है, लेकिन बीमा तो हो सकती है ना। बीमा तो इसकी भी हो सकती है, बिल्कुल होती है। ब्रह्मांड का मात्रक क्या होता है? केजी। ब्रह्मांड का मात्रक क्या होता है लाला? केजी। ये केजी क्या है? इसकी यूनिट, ध्यान रखना। और इसको दर्शाते हैं हम लोग एम के द्वारा। ब्रह्मांड को किसके द्वारा दर्शाते हैं? एम। एम मतलब मास। ब्रह्मांड को बेटा बोला जाता है मास। अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूं तो इसे बोला जाता है दोस्तों मास। और मास, मास की अगर बात की जाए तो इसकी यूनिट होती है केजी। तो अगर मैं बीमा की बात करूं तो बीमा में यही देखा जाता है कि कौन सा मूल राशि कितनी बार यूज आई है। तो द्रव्यमान इसमें एक बार यूज आया है, तो मैं इसकी घात एक लगा दूं या घात कुछ भी नहीं लगाऊं तब भी एक ही माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई समय का यूज नहीं हुआ है तो T0 लगा सकते हो, और ना ही इसमें कोई लंबाई का यूज हुआ है तो L0 लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो दोस्तों? L0 T0। चाहूँ तो मैं ऐसे लिख दूँ, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं दोस्तों M1 ओनली, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ओनली M। बात एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। M की घात एक लगाऊं या M की घात कुछ भी नहीं लगाऊं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, ध्यान रखना। इसे बोला जाता है द्रव्यमान। क्या बोला जाता है? द्रव्यमान। तो ध्यान रखना है मूल राशि है, ऐसे किसी भी प्रकार से हमारा लिखा आ सकता है, एक ही बात है। ब्रह्मांड के बाद में मैंने दूसरी राशि की बात की, वो क्या है दोस्तों? समय। क्या है? समय। समय का मात्रक क्या होता है? टाइम, जिसे हम लोग कहते हैं। टाइम की अगर बात की जाए तो टाइम का मात्रक होता है दोस्तों सेकंड। क्या होता है? सेकंड। बताएंगे समय कैसे निकाला जा सकता है। समय की अगर बात की जाए तो समय की बीमा क्या होती है? यहां पर ब्रह्मांड तो है नहीं है, ना ही लंबाई है, सिर्फ क्या है? समय। तो T1
एक बार यूज आए, तो ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको चाहूँ तो मैं टी वन, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ओनली टी, ओनली ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, ध्यान रखना उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर मैं बात करता हूँ क्या लंबाई की, किसकी बेटा लेंथ यानी लंबाई, तो लंबाई का मात्रक होता है दोस्तों मीटर, क्या होता है मीटर, लंबाई का मात्रक क्या होता है दोस्तों मीटर, राइट। जिसकी जिसको हम कैसे देखेंगे, एल द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो एम जीरो एल वन फोर्टी जीरो। अब एक बात अच्छी तरीके से ध्यान रखना, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये L1 जो है ना ऐसे भी लिखी जा सकती है या ओनली ऐसे भी लिखी जा सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये सारी हमारी क्या है, द्रव्यमान, समय, लंबाई, मूल राशि। और बात करते हैं अपन, और बात करते हैं तो जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बात की धारा, क्या बात की दोस्तों धारा, धारा कैसी राशि है दोस्तों, धारा की अगर बात की जाए तो धारा एक सदिश हमारी मूल राशि है, कैसी राशि है मूल राशि। तो सबसे हम देखते हैं यहाँ पर धारा क्या होती है, धारा का मात्रक क्या होता है दोस्तों एम्पियर। एक बात अच्छी तरीके से ध्यान रखना, यहाँ पर एमएलटी के बारे में हम लोगों ने बात है की, क्या सर मूल राशि तो बहुत सारी होती है, आपने तीन के बारे में ही क्यों बार बार बात कर रहे हो, तीन के बारे में बेटा नहीं सबको लिख सकते हो आप लोग, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है आप चाहो तो, लेकिन ज़्यादातर ये एमएलटी से मतलब मास लेंथ और टाइम से मिलकर बनी होती है, इसलिए एमएलटी को हम लोग इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पर क्या द्रव्यमान है, आप कहोगे साहब द्रव्यमान नहीं है, यहाँ पर क्या लंबाई है, एक आप कहोगे नहीं है, क्या समय है नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है धारा, तो ए द्वारा A1 द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। एक ही घात क्या होगी, तो ये क्या हुआ हमारे पास धारा, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो A1, एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ध्यान रखना इस चीज़ का। और मैं बात करूं जैसे कि मैंने बात की तापमान, तो तापमान क्या है, तापमान का मात्रक होता है केल्विन, क्या होता है दोस्तों के द्वारा दर्शाते हैं इसको, तापमान टी के द्वारा नहीं, टी के समय के दर्शा रहे, के से दर्शाएंगे, और इसका मात्रक होता है दोस्तों केल्विन, क्या होता है केल्विन। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो क्या है द्रव्यमान है, आप बोलोगे नहीं है, तो नहीं है तो जीरो लिखोगे, आप बोलोगे समय है बिल्कुल नहीं है, आप बोलोगे लंबाई है, आप बोलोगे कहेंगे साहब नहीं है, तो एम जीरो एल जीरो टी जीरो ए जीरो भी लिख सकता हूँ मैं चाहूँ तो, लेकिन लिख करोगे क्या जो है ही नहीं है तो के वन, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ओनली के वन, या के भी लिख सकते हो आप लोग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये मैंने उन्हीं राशियों की बीमा आपके सामने एक्सप्लेन कर दी जो कि हमारी खुद ही मूल राशियां हैं। अब इससे हम बड़ी राशियों की तरफ पढ़ेंगे, जो व्युत्पन्न राशियां हैं उनकी बीमा कैसे प्राप्त की जा सकती है। देखो बेटा व्युत्पन्न राशि की बीमा की अगर मैं बात करूँ, व्युत्पन्न राशि की बीमा की अगर मैं बात करूँ तो कैसे की जाती है, जैसे कि मैं छोटी सी राशि से बात कर लेता हूँ, यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं क्षेत्रफल, क्या लाला क्या होता है क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल होता है दोस्तों लंबाई इंटू चौड़ाई, होता है क्या क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल हमारा क्या कहलाता है क्षेत्रफल, यही होता है। अब यहाँ पर क्या यूज हो रहा है देखो, लंबाई और चौड़ाई इस्टमीन, लंबाई का मात्रक भी मीटर और चौड़ाई का मात्रक भी मीटर, यहाँ पर क्या हुआ मीटर स्क्वायर है, हुआ क्या, अब बात बताओ बेटा क्या द्रव्यमान हुआ यूज, नहीं हुआ, लेंथ हुई है कितनी बार, दो बार, तो L2 आएगा यहाँ पर, क्या आएगा L2। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो T, अब बेटा बताओ मुझे यहाँ बीमा बनाई है आपने M0 L2 T20, तो या फिर आप ऐसे भी कह सकते थे ओनली L2 कह सकते थे क्या, इस तरीके से आप लोग इसको डिफाइन कर सकते थे, ये हमारा क्या है क्षेत्रफल, इस तरीके से निकाला जा सकता है। हम अगर बात करें दूसरी
क्षेत्रफल के बाद में बात करता हूं मैं आयतन की बेटा, किसकी? आयतन। बताइए आयतन क्या होता है? आयतन क्या होता है? आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। क्या होता है आयतन? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये क्या होता है? आयतन। क्या होता है बेटा? आयतन। लंबाई क्या है? मात्रक मीटर। चौड़ाई क्या है? मात्रक मीटर। ऊंचाई क्या है? मात्रक मीटर। इट्स मीन मीटर क्यूब। यहां पर अगर बीमा की बात करें तो एम जीरो एल थ्री सी जीरो, कोई दिक्कत? अर्थात यहां पर कह सकते हैं एल थ्री, क्या नहीं होगा? ये हमारा क्या हुआ? एल थ्री। एल थ्री का मतलब यहां पर लंबाई का तीन बार प्रयोग में हुआ है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, सबका मात्रक मीटर है, क्या नहीं है? बिल्कुल है। इसी तरीके से और हम लोग बात करें तो बात आती है घनत्व की। किसकी बात आती है बेटा? घनत्व, जिसे हम कहते हैं डेंसिटी। क्या? डेंसिटी। डेंसिटी कैसे निकाली जाती है? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन, ये हमारी क्या होगी? डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब घनत्व। और यहां पर द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा दोस्तों? केजी। और आयतन का मात्रक क्या होगा दोस्तों? मीटर क्यूब। होगा या नहीं होगा? केजी मीटर क्यूब। आयतन ऑलरेडी निकाल चुके हैं भाई, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, केजी और मीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो मीटर की घात माइनस थ्री भी तो लिखा जा सकता है, ऐसे नहीं लिखा जा सकता? मेरे हिसाब से तो लिखा जा सकता है। यहां पर अगर मैं बात करूं द्रव्यमान की तो द्रव्यमान क्या है? जीरो। अगर मैं बात करूं लंबाई की तो लंबाई है क्या? बिल्कुल है। कितनी बार है? तीन बार। वो भी कैसे? ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी? माइनस। और समय, समय क्या है? द्रव्यमान जीरो नहीं है बेटा, देखो द्रव्यमान केजी है यहां पर तो द्रव्यमान जीरो नहीं है। द्रव्यमान कितनी बार है? एक बार। लंबाई कितनी बार है? माइनस थ्री बार। समय कितनी बार है? जीरो बार। तो एम वन एल माइनस थ्री टी जीरो, यहां पर क्या है? ये घनत्व है। अगर मैं बात करता हूं किसकी? वेग। बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग चाहो तो, एम वन एल माइनस थ्री, क्योंकि यहां पर समय है नहीं है तो समय को लिखना कोई अनिवार्य नहीं है। जो राशि है एडजस्ट ही नहीं करती है किसी के अंदर, उसको लिखना जरूरी नहीं होता है। समझ रहे मेरी बात? क्लियर? कोई दिक्कत यहां पर? किसी भी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? वेग। वेग किसे कहते हैं? अब ध्यान रखना, अभी मैं सिर्फ राशियां बनाना बता रहा हूं, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि वेग किसे कहते हैं। यहां पर आपको नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसका फॉर्मूला आपके सामने लिख, लेकिन फॉर्मूला लिखने से वेलोसिटी का नॉलेज नहीं होगा, नहीं होगा। वेलोसिटी को अलग से हम लोग पढ़ेंगे आगे, है ना? अभी सिर्फ हम लोगों को बीमाएं बनाना सीखना हमारा उद्देश्य है। तो वेग, वेग क्या होता है ये मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। वेग होता है दोस्तों विस्थापन बटे समय। क्या होता है? विस्थापन बटे समय। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं विस्थापन को हम मेजर करते हैं मीटर में और समय को हम मेजर करते हैं सेकंड में, राइट? विस्थापन को हम जो मेजर करते हैं वो किस में? मीटर में। और समय को जो मेजर करते हैं वो सेकंड के अंदर मेजर करते हैं। इट्स मीन यहाँ पर अगर बात की जाए तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? द्रव्यमान तो है ही नहीं है इसके अंदर, लेकिन क्या है? लंबाई। कितनी बार? एक बार। समय कितनी बार है? माइनस वन। तो ये क्या हुआ हमारे पास? वेलोसिटी की यूनिट हुई वेग।
वेग क्या हुआ, एम जीरो एल वन टी माइनस वन, एम जीरो एल वन टी माइनस वन, दिस इज ए वेलोसिटी है वेग, होगा या नहीं होगा। इस तरीके से आसानी से आप लोग इसको निकाल सकते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में, वेग के बारे में, पहले हमने देखा डेंसिटी, तो उसके बाद हमने देखी वेलोसिटी क्या, नहीं पहले हम लोगों ने बात की डेंसिटी के बारे में, उसके बाद हम लोगों ने बात की वेलोसिटी के बारे में, इसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटा किसके बारे में, आपने देखा होगा चाल। चाल क्या होती है, चाल हम लोग बोली जाती है स्पीड, बेटा स्पीड क्या होती है सब जानते होंगे मेरे हिसाब से, चाल क्या होती है बताओ, चाल होती है इकाई समय में तय की गई दूरी, चाल क्या होती है बेटा, इकाई समय में तय की गई दूरी, ध्यान रखना है इकाई समय में तय की गई दूरी होती है, न कि इकाई समय में तय किया गया विस्थापन। अगर इकाई समय में तय किए गए विस्थापन की बात की जाए तो वो वेलोसिटी होती है, वो वेग होता है, हम बात कर रहे हैं चाल की। तो चाल होता है दूरी बटे समय, और दूरी को हम मेजर करते हैं मीटर में, और समय को हम मेजर करते हैं किसमें, सेकंड में, किसमें मेजर करते हैं बेटा, सेकंड के अंदर मेजर करते हैं। तो यहां पर अगर बात करते हैं तो बताओ वही बीमा बन के आएगी, यहां पर द्रव्यमान यूज हुआ नहीं है, लंबाई एक बार और समय माइनस वन बार, ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, स्पीड या जिसे हम लोग कहते हैं चाल, स्पीड या जिसे हम लोग क्या कहते हैं चाल। तो ये चीज़ आप लोगों के सामने निकल के आ रही है, स्पीड यानी चाल कैसी राशि है बेटा, एक बात करते हैं तो कैसी राशि है चाल, चाल एक बेसिकली अदिश राशि है, मैंने आपको समझाई थी, और ये कैसी राशि है वेग, सदिश राशि है। लेकिन अभी तो विमाओं की बात कर रहे हैं, विमा आप लोग बनाना सीख रहे होंगे यहाँ पर। अगर हम बात करें किसके बारे में, हम बेटा बात कर लेते हैं यहाँ पर त्वरण, किसकी बात कर लेते हैं बेटा त्वरण, त्वरण को एक्सेलेरेशन कहा जाता है। हम लोगों ने वेग देखा, वेग क्या होता है आपको पता है, अब आप बात करेंगे त्वरण के बारे में, त्वरण क्या होता है बेटा बताओ, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर कैसे निकालते हैं, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, ऐसे निकाला जाता है क्या, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। अंतिम वेग क्या है, अंतिम वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, प्रारंभिक वेग का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकंड, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं बटे में क्या आएगा, समय का मात्रक सेकंड, इट्स मीन ऊपर क्या आ रहा है मीटर प्रति सेकंड माइनस मीटर प्रति सेकंड बटे सेकंड, और मीटर प्रति सेकंड में से अगर मीटर प्रति सेकंड घटा दिया जाए तो बचेगा क्या, मीटर प्रति सेकंड, ध्यान रखना मीटर प्रति सेकंड, और बटे में बचा क्या, अब बताओ ऊपर मीटर प्रति सेकंड नीचे बटे में सेकंड, तो ये सेकंड कहाँ से जाके किससे जाके गुणा होगा, कहीं मीटर से गुणा मत कर देना आप लोग, ये सेकंड से ही गुणा होता है, ध्यान रखना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ध्यान रखो चीज, क्योंकि कभी कभार बच्चों के सामने कन्फ्यूजन हो जाता है, मैं लिखा एक्स बटे वाई बटे ए, इस पूरे के बटे में ए है, तो ये गुणा हो, ये इसका मतलब होता है एक्स बटे वाई गुणा ए। अगर मैं लिखता हूँ एक्स बटे वाई बटे ए, तो आप लिखोगे एक्स बटे वाई, और ये ए कहाँ चला जाएगा, एक्स से गुणा हो गए यहाँ आ जाएगा, क्लियर। तो ये चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। अब देखते हैं बेटा हम लोग त्वरण की बीमा क्या होती है, या किस प्रकार से आप त्वरण की बीमा को याद कर सकते हैं। आपको अच्छी तरीके से पता है त्वरण का मात्र क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर क्या है लंबाई, सेकंड क्या है समय, इसको मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ मीटर
और सेकंड गया ऊपर तो क्या हो जाएगा, माइनस का ये। तो द्रव्यमान है क्या? नहीं है। लंबाई है क्या? है। समय है क्या? है। कितनी बार? क्या नहीं? तो एम जीरो एल वन टी माइनस टू, ये हमारा क्या है? त्वरण। त्वरण के बाद में हम बात करते हैं, तो त्वरण क्या होता है? त्वरण के बाद में हम बात करते हैं, तो बात करते हैं बल की। किसकी? बहुत इंपॉर्टेंट विमा है ये बल। बल बेटा, बल को हम लोग फोर्स कहते हैं। फोर्स क्या होता है? फोर्स, अगर किसी भी फोर्स निकाला जाए तो वो होता है दोस्तों द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। ध्यान रखना, बल होता है द्रव्यमान इंटू एक्सीलेशन यानी त्वरण। द्रव्यमान आपको पता है केजी होता है, त्वरण अभी जस्ट निकाल के देखा है क्या होता है ये। तो आप लिख सकते हैं एफ बराबर केजी, त्वरण को मात्र क्या आता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर यहाँ पर निकालूंगा तो क्या आएगा? केजी तो किसका आ गया? एस का। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ऊपर जाएगा, सेकंड तो इसको मैं कह सकता हूँ टी माइनस टू। यस, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो द्रव्यमान जीरो, लंबाई वन, टी माइनस टू, ये हमारे पास क्या है? इसके विमा। किसके अंदर? फोर्स की। और बहुत इम्पोर्टेंट विमा है, ध्यान रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट विमा है और इसको आपको जानना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। अगर आप इसे अच्छी तरीके से याद रख लेते हैं तो आगे वाली विमा बनाएंगे हम लोग, जैसे बात करते हैं कार्य की या ऊर्जा की या फिर और भी बहुत सारी राशियाँ, वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है, इन सब की विमा बनाने में हमें ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों आपको पता होनी चाहिए बल की विमा क्या होती है, और पता होगी तो आप अच्छी तरीके से उन चीज़ों को समझ पाओगे। देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ आगे बल की विमा के बाद, मैं बात करता हूँ भार। किसकी? भार। भार होता है वेट। भार क्या होता है दोस्तों? द्रव्यमान इंटू ग्रेविटी एक्सीलेशन यानी गुरुत्वीय त्वरण। भार क्या होता है? द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण चाहे सिंपली त्वरण हो चाहे गुरुत्वीय त्वरण हो, त्वरण तो त्वरण ही होता है दोस्तों, है ना? त्वरण का मात्रक तो वही मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही होना ही है। यहाँ पर अगर बात करते हैं भार बराबर द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या हुआ? के जी। क्या हुआ दोस्तों? के जी। और गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। क्या होगा दोस्तों? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ध्यान रखो इस चीज़ को। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ के जी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो यही तो मात्रक किसका है? तो यहाँ पर विमा भी क्या होगी? एम वन एल वन टी माइनस टू, ये इसकी क्या हुई? किसकी? भार। एक बात अच्छी तरीके से ध्यान रखना, भार और बल की विमा समान होती है। क्या होती है? भार और बल की विमा क्या होती है? समान होती है। ध्यान रखो इस चीज़ को, भार और बल की विमा क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। क्लियर? यहाँ पर कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ किसी को, कोई दिक्कत? क्लियर? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। बाकी की आगे की जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विमाएँ देखेंगे। यहाँ तक आप लोगों ने सीखा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी की विमाएँ देखेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं वापस से।